हेलो गाइस, मैं आज अपना फुल ब्लॉग शूट करूंगा। इससे पहले जो मैंने मिनी ब्लॉग शूट किया था, आप लोगों ने कुछ ज़्यादा उसका रिस्पांस नहीं दिया। प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करते रहें, जिससे मैं भी थोड़ा यूट्यूब से थोड़ा फेम हो जाऊं। अगर आप लोग सहयोग करते रहेंगे तो सही रहेगा, अच्छा रहेगा। मैं आपको गाँव की छोटी छोटी चीज़ों को दिखाता रहूँगा, आप उसको देख के इंजॉय करते जाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपको दिखाऊंगा आज किस तरीके से गांव में खेती की जाती है और किस तरीके से लोग यहां पर रहते हैं और किस तरीके से उनकी दिनचर्या है, कैसे वो उपयोग में लाते हैं छोटी छोटी चीज़ों का। आप देखेंगे कि मेरे पीछे आपको खेती खेत नज़र आएंगे, ये झोपड़ी दिख रही होगी। यहाँ पर लोग खाली टाइम में बैठते हैं, ताश भी खेलते हैं मनोरंजन के लिए। आप देख सकते हैं पीछे पूरा इस पे मैं बैठा हूँ, ये एक उपकरण है खेती करने का। और ये मेरी प्लॉट है, यहाँ पे मैं आता हूँ रोज़ सुबह शाम को, आप देख सकते हैं। और क्या दिखाऊँ मैं आपको, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो प्लीज़ इसे थोड़ा रिस्पॉन्स करिए प्लीज़। और ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये पेड़ है, उसके पीछे हमारा बगीचा है, मैंने लगाया है। आप बहुत जल्दी इसको देख सकते हैं किस तरीके से ग्रो कर रहा है। पीछे ये छोटे छोटे पेड़ लगे हैं, आम के पेड़ लगाए हुए हैं 6, एक नींबू का पेड़ लगा है, इसमें फुलवाड़ी लगी हुई है। और भी चीज़ें दिखें, ये गांव है, पीछे हमारा पाकड़ है। ये बैलगाड़ी जो टूटी हुई रखी है, आप देख सकते हैं काफ़ी समय हो गया इसको उपयोग में नहीं लाया हुआ है। देख सकते हैं ये करवी जो हमने अपने प्लॉट के नीचे वाले खेत में बो रखी है। ये पेड़ आप लोग बताएंगे किस चीज़ का पेड़ है, इस पर ये कौन सा फल लगा हुआ, कौन सी सब्जी लगी है, आप देख के बता सकते हैं। इसे कहते हैं बैगन, देसी बैगन जो ग्रीन कलर का होता है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इस पर बैगन लगे हुए हैं छोटे छोटे, और अभी आ रहे हैं। मुझे तो देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, ये बड़े हो जाएंगे तो फिर हम उनकी सब्जी बना के खाएंगे। ये मुलड़ का फूल का पेड़ है, आप देख सकते हैं ये गुड़हल का बड़ा हुआ पेड़ है, इसमें छोटे छोटे कुटमुने लगे हुए हैं, इसमें फूल वूल आएंगे, देख सकते हैं किस तरीके से इसमें लगाए हुए हैं। और ये सामने ये आम का पेड़ लगा हुआ है, ये इनके भी अपने फायदे हैं, ये अभी छोटी एज में है मगर आने वाले समय हमें बहुत ज़्यादा उपयोग में लाएंगे। आम पेड़ देंगे, चाय भी देंगे, अच्छे लगेंगे, इसमें नया किला निकलता हुआ इसमें। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको पूरा मेंटेन करके, ये छोटा पेड़ बता सकते हैं आप लोग किस चीज़ का है? ये है नींबू का पेड़ लगाया हुआ है। इसके अलावा हम आपको क्या दिखाएंगे, हाँ ये बताइए किस चीज़ का पेड़ है। आप देख सकते हैं ये अमरूद का पेड़ है, इसमें छोटा सा किला हुआ निकला हुआ है, ये अभी रिसेंटली जल्दी ही लगाया गया है हमारे लोगों के द्वारा। हम पेड़ देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं। ये पाकड़ आपने देखी है, इसकी जो छाया होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, यहाँ पे धूप लगभग बहुत कम आती है, अभी तो छोटी है ये, जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसमें से काफ़ी लोग इसके नीचे बैठते हैं दोपहर में, अपना एंजॉय करते हैं और मज़े लेते हैं एक दूसरे के साथ, हंसी मजाक करते हैं। ये जो मैंने वाली बैलगाड़ी दिखाई थी, अब मैं इसको पास में आके दिखाऊँगा, आप देख सकते हैं टूटी हुई है मगर किसी टाइम पर ये भी अच्छा रन करती थी। हम चलेंगे अपने गांव की तरफ, देखेंगे क्या हो रहा है, इसे तो जानते ही होंगे, इसे ट्रॉली बोलते हैं। ये सब उपकरण है खेती के, देख सकते हैं किस तरीके से इसको लगाया गया है एक कॉर्नर से। ये हमारी पूरी प्लॉट है, यहाँ से यहाँ तक इस पर काम चलने वाला है थोड़े दिनों में। यहाँ पे सब लोग हमारे जो फैमिली मेम्बर कभी कभी यहाँ आके बैठ जाते हैं दोपहर। क्या खा रहे हो? आलू गुलाटा। किसने दिलाया? रवि ने। रवि ने दिलाया? रवि कौन? वो है। तुम्हारा क्या नाम? पापा क्या नाम? वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, पूरा एंड तक देखने के लिए लाइक करें,
कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।